हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो गाइज आज का व्लॉग ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वेस्ट बंगाल से बाहर झारखंड में। झारखंड में एक जगह है घाटशिला, वहाँ पर हम जाएंगे। घाटशिला जो जगह है ना, वो जामशेदपुर से लोकल ट्रेन में 30 या 40 मिनट की दूरी पर है, मुझे खास पता नहीं है, सुजय भैया ने बताया था। और सुजय भैया कौन है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, और उनके साथ ही मैं घाटशिला जाऊँगा एज ए वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र। वहाँ पर शादी है, उस शादी में फ़ोटोग्राफी करना है हमें। तो गाइज़ एक शादी घर में फ़ोटोग्राफ़र को क्या क्या करना पड़ता है, फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ कैसी होती है एक शादी घर में, ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 2:00 PM और रात 8 बजे मुझे जाना है सुजय भैया के घर। वहाँ पर जितना भी कैमरा फिर लाइट वगैरह है वो सबको रेडी करना पड़ेगा। और रात को 3 बजे हमारा गाड़ी है, उस गाड़ी में हम जाएँगे यहाँ से सीधा घाटशिला। और सुना है गाइस घाटशिला बहुत बढ़िया जगह है, तो जब जा ही रहे हैं आप लोगों के साथ, जब जा ही रहे हैं ना, तो इधर उधर थोड़ा घूम भी लेंगे और क्या। और गाइस वो सफ़र है ना, 5 घंटे की सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, पता नहीं कैसे बीतेगा, आप लोगों के साथ बिताना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट से मेरे बैकपैक को रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये, अभी तो कोविड चल रहा है बहुत, तो इसका ज़रूरत होगा। और कोविड तो छोड़ ही दीजिए, अगर पुलिस ने विदाउट मास्क देख लिया ना, तो मार मार के जेबरा बना देगी हमारी। तो अभी गाइज मैंने एक पैंट लिया है और एक शर्ट और एक हुडी और टोपी, और रात में पहनने के लिए एक छोटा पैंट, हाफ पैंट, बस यही सब लेके जा रहा हूँ मैं। तो गाइज बैकपैक तो मेरा हो गया, और अभी मोबाइल को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर फुल चार्ज होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी बज रहे रात के 11 और अभी मैं हूँ सुजय भैया के घर। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे दोनों मिलके, फिर सुबह 3 बजे हमको उठना है, फिर रेडी रेडी होके 4:30 बजे हमारा गाड़ी आ जाएगा, फिर गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ेगा। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 5 और हम रेडी शेडी होके आ गए, और वो देखिए हमारा गाड़ी लगा हुआ है, अभी गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइज अभी हम सबको भूख लग रहा है, तो इसीलिए हम रुके इस दुकान पर, और अभी नाश्ता वास्ता करके उसके बाद फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज यहाँ पर इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा आ रहा है ना, तो हम रुक गए इधर, कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे। आप एक बार देख लीजिए, आय हाय, अरे पहाड़ वहाड़ एकदम मस्त दिख रहा है, और ये रोड देखिए ना, एकदम पूरा चकाचक रोड है, एकदम बहुत बढ़िया दिख रहा है। गाइज सुजय भैया और अरूप भैया दोनों मिल के अभी स्लो मोशन वीडियो बना रहा है। ओ भाई गाइज अभी हम घाटशिला स्टेशन आ चुके हैं, वो देखिए घाटशिला स्टेशन। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, और ये देखो गाइज वो होटल, होटल अनिंदिता पैलेस, और इसके ठीक सामने है एक छोटा सा मार्केट बोल सकते हो, ये देखिए एक छोटा सा मार्केट, हमारे गांव में इसको हटिया बोलते हैं। ये रहा गाइज हमारा होटल। तो गाइज ये रहा सुजय भैया,
और ये अरुप भैया, और ये बुबाई भैया, और एक और भैया है अभी बाहर गया है। गाइस अभी हम लंच कर रहे हैं, ये देखिए अभी लंच करके आपसे मिलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4 PM और शाम को 6 बजे हमारा काम स्टार्ट होगा। आज संगीत का रस्म है और फिर कल शादी, फिर रिसेप्शन, तो 3 दिन हमको यहाँ रहना पड़ेगा। संगीत से लेकर रिसेप्शन सब सारा काम हम लोग ही करेंगे। और फिलहाल तो हम जिस होटल में हैं अभी उसका बैल्कनी बोल सकते हो, एकदम बहुत लंबा है ये बैल्कनी, तो यहाँ पर हम मज़े कर रहे हैं अभी। और यहाँ से एक लुक दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज देखिए यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आता है, और वो जो सामने देख रहे हैं वो घाटशिला स्टेशन है, उधर उधर हो उधर है स्टेशन। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, के बाहर आया। और थोड़ी देर पहले हमारा काम खत्म हुआ, अभी हम रूम में आ गए हैं, अभी डिनर करेंगे उसके बाद मस्त चिल मारेंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 17th of January और आज घाटशिला में हमारा दूसरा दिन है। कल था संगीत का प्रोग्राम और आज शायद शादी है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी तो गाइस हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये देखिए इन लोगों ने पूरा बैल्कनी को एकदम बलून से मस्त सजा दिया है। तो गाइज आज इनका शादी नहीं है, आज है इनका एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी है। और ये इधर उनका डेकोरेशन चल रहा है, यहाँ पर स्टेज बनेगा और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं ये भैया लोग। हमारा काम स्टार्ट हुआ था सुबह के 11 बजे और अभी बज रहे रात के 9, और अभी जाके हमारा काम खत्म हुआ। बहुत काम था आज और बहुत थक गए हैं। और बाकी मज़ा हमने बहुत किया, ब्राइड और ग्रूम के साथ बहुत सारे शूट किए, आप तो देख ही लिए हैं, और उन लोगों के साथ मज़े भी किए बहुत सारे। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा तीसरा दिन घाटशिला में और आज है शादी। कल शादी नहीं था, कल रिंग सेरेमनी था और आज है शादी। ये पंजाबी लोगों की शादी है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो गाइज फाइनली हमारा 3 दिन का काम अब जाके खत्म हुआ। कल जा रहे हैं घर, कल सुबह 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, घाटशिला से छोड़ देंगे, टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो गाइज गुड मॉर्निंग, आज है 19th of January और अभी टाइम हो रहा है कितना भाई, देखिए जरा ये देखिए 9:19 बज रहे अभी। और आज हमें घाटशिला छोड़ के जाना है अपने घर। अभी हम पैकअप वैकअप सब कर लिए हैं, इस घर में मैं और एक और भैया है, वो अभी बाथरूम पे है, वो रेडी हो रहा है और मैं तो रेडी हो गया। और सुजय भैया और औरव भैया दूसरे वाले रूम में है, वो भी रेडी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वो नहाने गया है और अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। होटल आनंद प्लेस, बाय बाय। बहुत टाइम से चल रहे हैं हम और अभी एक जगह पर रुके हैं, पता नहीं है कौन सी जगह है,
पर यहीं रुके हैं, चाय वाय पीने गए भैया लोग। मुझे चाय नहीं पीना, इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ अभी। अभी 4.5 किलो है मतलब ये छोटा है अभी। गाइस अभी हम कहाँ है पता है? हम हैं मुकुट मणिपुर में। ये देखिए मुकुट मणिपुर बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, और देखने में काफ़ी सही लग रहा है। काफ़ी कभी आया ही नहीं मुकुट मणिपुर, ये लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए। तो गाइज मुकुट मणिपुर आने का कोई खास प्लान तो नहीं था। जब घाटशिला से आ रहे थे तो मुकुट मणिपुर से होके जाना पड़ता हमको, तो तभी भैया लोगों ने मिलकर प्लान किया कि एक छोटा सा टूर कर लेते हैं, घूम घूम लेते मुकुट मणिपुर, फिर थोड़ा पिकनिक विकनिक कर लेते। तो हमने बोला ठीक है करते हैं पिकनिक, चलिए। और ये देखिए गाइज मुकुट मणिपुर का नज़ारा। इधर ना एक बहुत ही ज्यादा कमाल का नजारा है, देखना चाहेंगे आप? ये देखिए, हाय हाय हाय, मजा आ गया देखने में। देखिए ये सरसों का खेत है। ओह इधर फोटो शूट करने में बहुत मजा आएगा गाइस, आप एक बार देखिए जगह को देखिए। तो फाइनली गाइज मैं घर आ चुका हूँ, और मुकुट मणिपुर में तो हमने बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, पर वीडियो नहीं बना पाया यार। मेरा फ़ोन का बैटरी एकदम डेड हो गया था, और भैया लोगों की बैटरी भी थोड़ी मतलब बहुत कम बचा था, तो उनमें से ही कुछ 2 या 3 क्लिप्स ले पाया। तो गाइज़ आप एक क्लिप देख लीजिए फिर बताना कैसा है। ये क्या है? तो गाइज उम्मीद है आपको मेरा ये फोटोग्राफी लाइव वाला वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आगे भी बहुत ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो आपको देखने में बहुत मजा आया और नॉलेजेबल हो। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो पर। रुकी 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 गाइज, जाने से पहले एक और बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको सुजय भैया का काम देखना है तो उनके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ पर जाके उनका काम कैसा होता है वो सब देख सकते हैं। फिलहाल तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टाटा।